अब टैली की एक व्यूअर है जिन्होंने पूछा है कि सर मैं जब टैली को ओपन कर रहा हूँ तो मेरे में क्या हो रहा है कि टू ऑब्लिक बाई, जब भी मैं पेमेंट में या रिसिप्ट में, आप देखिए ये रिसिप्ट है तो मेरे में क्रेडिट शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सीआर आ रहा है, तो सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। क्या मतलब होता है? क्रेडिट मतलब होता है। और यहाँ पर देखिए ये पेमेंट है तो पेमेंट में क्या आ रहा है, डेबिट आ रहा है। डीआर का मतलब क्या होता है? डेबिट होता है। तो दोनों ही में मेरे में डीआर और सीआर शो हो रहा है, और इनके में क्या शो हो रहा है, इनके में आ रहा है टू या बाई आ रहा है। क्या आ रहा है? टू या बाई लिखा हुआ आ रहा है नीचे। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, किन कंडीशंस में होता है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये रिसिप्ट वाउचर है, तो अगर मैं F12 प्रेस करता हूं और F12 रिसिप्ट वाउचर में रहते हुए हमें क्या प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है, ठीक है। और F12 प्रेस करके ये लिखा हुआ यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर, तो अगर मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूं, यहां से यस कर देता हूं, वाई प्रेस करके इसको यस कर दिया हमने, और कंट्रोल ए अगर कर देता हूं, तो यहां पर ये इस सिचुएशन में आ जाएगा, यानी ये सिंगल एंट्री मोड में आ जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में ये ऐसा दिखाई देगा और यहां पर आपको पर्टिकुलर नजर आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे बात कर लेते हैं, अगर मैं यहां से डेबिट और क्रेडिट को ऑफ कर देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट को ऑफ कर दिया तो भी यहां पर ये पर्टिकुलर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आते हैं, यहां पर वापिस से वी प्रेस करते हैं और आ जाते हैं, और यहां से F12 प्रेस करते हैं, यहां पर डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन को ऑफ रखा है मैंने, और यहां पर इसको भी अगर मैं देखिए यहां पर दिया ना यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, सिंगल एंट्री मोड को भी अगर मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है, ऐसे में अब आप देखेंगे तो टू और बाई हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए यहां पर टू या बाई देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, F12 प्रेस करके सबसे पहले तो यहां पर ये देखिएगा, ये जो है इसको चालू रखना है, यहां पर इसको अगर यस कर देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं, तो यहां पर डेबिट क्रेडिट अपने आप से होने लगेगा, यानी सिंगल एंट्री को डबल एंट्री बना लेना है, बस इतना ही करना है। अब चाहे आप पेमेंट वाउचर में जाइए, चाहे रिसिप्ट वाउचर में जाइए, चाहे कंट्रा वाउचर में जाइए, ठीक है, आपको हर जगह ये डेबिट क्रेडिट शो होने लगेगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं इससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।